वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मोहनलाल बड़ोली लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और चुनावी जमीन को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में वो सोनीपत के राई पहुंचे और यहां पर मोहनलाल बड़ोली का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, साथ ही साथ प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का दावा भी ठोका। जनता पार्टी जिस प्रकार से 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी थी, उसी प्रकार से 2024 में भी फिर तीसरी बार भाजपा सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता आशीर्वाद लेकर बड़े बहुमत के साथ बनाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है, हरियाणा प्रदेश की जनता जो बोल रही है, तीसरी बार नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ बनेगी।